Hi, Hi, this is Mona Lisa. Hi, this is is Vishal Singh. And you are watching us on Telly Club. यही आया कि ये छुपन छुपी करके धप्पा क्या मिलने वाला है हमें मैं हम लोग मुझे जब स्टोरी सुनाया गया था लाइक अनिल सर ने जब ये स्टोरी सुनाया था तो उस समय सुनाते सुनाते हमको खुद मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या धप्पा होने वाला है मतलब क्या है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टोरी सुनते सुनते हमको ऐसा थोड़ा लगता है कि अच्छा इसके बाद ऐसा हो सकता है ऐसा होने वाला है बट ये ऐसा स्टोरी है पाँचों स्टोरीज में आप गैसी नहीं कर पाओगे कि एंड में क्या होने वाला है तो वही एक बड़ा धप्पा है सो तो so, uh, मेरी जो स्टोरी है उसका नाम है चुगली एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड आनंद और इट्स um, मेरी एक नेबर हो नेबर बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम संजना और हम जेनुइनली बहुत अच्छे दोस्त हैं तो जैसे छोटे शहरों में होता है कि आप लड़का लड़की कहीं भी दिखे तो तुरंत उनको लिंक कर दिया जाता है और <laughs> आधी कहानी होती है और आधी पका ली जाती है खुद से तो ऐसे ही कुछ एक सिचुएशन में हम दोनों होते हैं जहाँ का मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है और उसकी वजह से हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ हमें शादी तक करनी पड़ती है तो वो हम लोग कैसे हैंडल करते हैं और जैसा मोना लीजा ने पहले मोना बोले ना था, फिर लीजा सिर्फ जैसे मोना लीजा ने बोला कि आप जो जहाँ तक सोच सकते हैं उसके एक स्टेप बाद का एंडिंग हम आपको देंगे <laughs> सो इसीलिए यू हैव टू वॉच धप्पा ऑन हंगामा प्ले hmm. आपको मज़ा आएगा आ uh, मेरी जो स्टोरी है उसका नाम है रात की बात तो वो एक रात में ही मतलब ऐसा हो जाता है तो uh, मैं जो किरदार प्ले कर रही हूँ उसका नाम है मीरा तो मीरा एंड uh, मेरे जो माय uh, मैं uh, uh, मेरा हस्बैंड जो है वो दिशांक प्ले कर रहा है तो हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है प्यार है सब कुछ है बट क्या होता है कि इतना मतलब वर्क 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 करते करते हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिलता है कि अपनी वाइफ के पास भी आना है टाइम देना है बाहर घूमने लेके जाना है तो वो बार बार प्रोमिस करता है और फिर वो फ़ेल कर हो जाता है नहीं आता है तो मैं मतलब मीरा बहुत अपसेट रहती है कि क्या चल रहा है मतलब मेरे लिए टाइम नहीं है तुम्हारे तो लिए सब कुछ काम ही है क्या तो ऐसे टाइम पे एक दूसरा जो मेरा स्टूडेंट होता है मैं इसमें टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ मेरा स्टूडेंट होता है वो मोहित ले कर रहा है मोहित आता है वो बोलता है कि आ, मतलब चांस लेने वाली बात की अच्छा मैं लेके चलता हाँ, हूँ हाँ, <laughs> मैं लेके चलता हूँ आपको बाहर घूमने ये वो मुझे पता है आप अपसेट हैं ये वो बट मीरा बहुत सॉर्टेड है उसको कहीं किसी और के साथ नहीं जाना है उसको अपने हस्बैंड के साथ ही जाना है तो वो आ, एक दिन क्या होता है उसको जब हस्बैंड प्रॉमिस करके एकदम फाइनली उस दिन नहीं आता है तब उसको फील होता है कि आज तो मैं इनको सबक सिखाऊंगी अब मैं जाऊंगी और जाके मैं दिखाऊंगी कि मैं भी पार्टी कर सकती हूँ और मुझे भी जाना है आप नहीं समझ रहे हो तो मोहित के साथ मीरा चली जाती है और चली जाती है और वहाँ उस रात में क्या हंगामा होता है क्या धप्पा होता है यही है मैंने गेस किया क्या हो सकता है क्या एक हूँ नहीं, नहीं, नहीं? नहीं, नहीं, oh

जो उसका एंड है मुझे लगता है वो एंड अगर लोग देख रहे हैं तो मुझे लगता है वो एंड को और थोड़ा एम्ब्रेस करना चाहिए लोगों को और सपोर्ट करना चाहिए और वी नीड मोर पीपल इन द सोसाइटी जो इस चीज़ को और ज़्यादा वॉइस आउट करें जो और ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि uh, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी अपनी इच्छाएँ अपनी चॉइस mm. होती हैं तो हमको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमको इंसान से प्यार करना चाहिए उसकी चॉइसेस से नहीं बिकॉज़ mm. उसकी अपनी लाइफ है सो इट इज़ ब्यूटिफुल प्लीज़ वॉच इट और ये पर आपका जितनी भी है ना सब रिलेटेबल स्टोरीज है तो <laughs> ये मैं बताना चाह रही थी तो इसीलिए और अच्छा है कि हंगामा प्ले ऐसा एक अच्छी स्टोरी मतलब सीरीज़ लेके आए हैं और आ, रिलेटेबल इसलिए भी है कि मैं खुद मैं मैं और विक्रांत हम लोग हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं लाइक वो बाहर होता है अभी भी जैसे आज वो बाहर है आ, मैं यहाँ कर रही हूँ और मैं कल कैलकटा से आई हूँ तो ये सब हम हमारे अंदर भी चलता रहता है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी समझना होता है कि हम लोग काम कर रहे हैं वी बोथ आर वर्किंग हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज uh, बहुत है तो वर्क इज़ फर्स्ट हमारे लिए तो ये कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है लेकिन फिर बुरा लगता है कि जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं क्या यार आ, मेरा बर्थडे है अभी भी तुम नहीं रहोगे ऐसे कैसे मैं लंबे लंबे मैसेजेस भेजती हूँ फिर और फिर उसको देखा क्या है ये सब फ़ोन करके कुछ ना कुछ तो फिर मनाता है अच्छे से प्यार से बात कर लेता तो मैं मान जाती है <laughs> okay, शॉर्ट के टाइम पे नहीं भूलोगी और जो ऐसा मोमेंट हुआ हो या फनीस्ट या वियर्ड जो भी हो आपके लिए क्या ऐसे मोमेंट है जो आप याद रखोगे हाँ हा, सबसे पहला मोमेंट जो मुझे इस शो के बारे में याद है वो है मेरा मोटापा कि हाँ हाँ सो आई वाज शूटिंग उस टाइम पे लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था और मैं नो आई एम एम बेग फूडी वेजिटेरियन लेकिन मैं बहुत खाता हूँ तो हम लोग शॉर्ट्स करे थे और वाइट शॉर्ट लगाए फुल फैमिली बोथ द फैमिलीज और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अनिल <laughs> वी कुमार सर उनके मतलब वो इट वॉज इन अ गुड वे मतलब बहुत प्यार करते हैं बहुत मतलब इतना प्यार दिया है उन्होंने सेट पे हम रियली लकी दैट आई गॉट टू वर्क विद हेम तो मुझे फोन माइक उठा के बोल रहे हैं कि अच्छा विशाल सुनो पेट अंदर करो जरा सा उसी दिन के बाद से मैंने रनिंग शुरू कर दी सो दैट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ आपके लिए मेरा तो फुल uh, सीरीज ही मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है क्योंकि ये मेरा डेब्यू है ओटीटी पे सो एवरीथिंग इज यू नो टू गुड फॉर गुड थिंग्स आप जैसे बोलते हो कि फर्स्ट टाइम हमेशा स्पेशल हमेशा स्पेशल होता, होता है अनाइसर ट्रेलर में यू नो आपका एक बोल्ड सीन थोड़ा दिखा है हमें तो इसके बारे एज एन एक्टर मैं uh, इतना नहीं सोचती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे मैं जो कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट होने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट होता है आप कोई भी सीन बहुत अच्छे से अगर आप शूट करोगे अगर वो बलगढ़ नहीं दिखेगा तो इट वर्क्स तो वैसा ही हुआ है क्योंकि अनिल सर वैसे ही हैं उन्होंने पहले से ही हमें समझा दिए थे कि हमें क्या करना है कितना शूट शॉट लेना है कैसे कैसे दिखाना है और अगर आप देखेंगे तो मैं खुद देख चुकी हूँ मेरा वाला तो मैंने देख ही लिया है लिया? बीच बीच में हाँ, तो मैं मेरे को मैं बहुत मैं मैंने देख लिया और मुझे इतना अच्छा लगा कि उस समय फिर भी हम लोग थोड़ा सा मतलब ये हो रहे थे क्योंकि बैक ओपन सॉर्ट ऑफ वहाँ पे था लेकिन जब एडिट होके आया है इट्स टोटली डिफरेंट एंड वेरी क्लासिकोज मैं तो हंगामा प्ले के साथ और दो प्रोजेक्ट्स कर ही रही हूँ बैक टू बैक वो रिलीज होने वाली है तो वेरी एक्साइटेड और बाकी जो है वो मैं ना ऐसे मैं नहीं बताती हूँ जब तक मेरा नहीं होता है तो मेरा तो सब कुछ इंस्टाग्राम पे ही है सो या फाइनली स्टिल डूइंग कपल ऑफ प्रोजेक्ट एज अ मॉडल बट येस एम बैक आई एम रीली इन लाइक यू नो वेटिंग टू कम बैक ऑन टी वी बी आई एम इन टॉक्स विद कपल ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज सो जो भी अच्छा स्क्रिप्ट लगेगा आई विल डू बट लेट सी